अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है और मैं ऊपर आ चुका हूँ। ये देखे जंगली कबूतर है, दाना खा रहा है। मेरे कबूतर सारे बंद हैं और ये हमारे घर आया हुआ दाना वगैरह खा रहा है। फिक्र ना करो, अभी मैं सबको खोलूँगा फिर आपको और अच्छा वाला दाना डालूंगा। अभी तो सारा गंद पड़ा हुआ है, तो फिर आप तब खाना। तो कॉलोनी भी बंद है इस साइड पर, और इस साइड पर मैंने ग्रीन कपड़ा मुर्गों के लिए लगाया हुआ था, तो ये अभी इधर पीछे आराम फरमा रहे हैं। मिट्टू और रिंगनेक बाहर आ चुके हैं जी, आपकी बात कर रहा हूँ मैं। और आज ये वाला जो पेयर है इसको हम बाहर निकाल देंगे, और जो पर्पल कलर वाला मेल है उसको अंदर बंद कर देंगे। बाकी लव बर्ड को भी खाना वगैरह डालना है। और हाँ, याद आई, आज मैंने मार्केट जाना था, मतलब जाना है, क्योंकि जो पैरेट्स हैं उनका खाना ख़त्म हुआ हुआ है। थोड़ा बहुत है जो अभी मैं डालूंगा, बाद में मैं इनके लिए लेके आऊँगा। तो कल मैंने एक पिजन भी पकड़ा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा पेयर था, पर पेयर में से जो फीमेल थी वो लक्की थी, वो चली गई, और जो मेल था वो हमारे घर आ गया, तो मैंने पकड़ लिया उसको। बहुत ही खूबसूरत है। शाम तक मैंने खोल ही रखा कि अगर जाना चाहे तो जा सकता है। कल हमारा एक और बच्चा चला गया गोल्डन वाला, वो कल शाम के टाइम उड़ा है तो सीधा उस सागर वाली साइड पर चला गया, वापस नहीं आया, क्योंकि वो बहुत अभी छोटा था, फर्स्ट टाइम उड़ा था, तो वो नहीं आ सकता था, वापस चला गया। बाकी हमारे पिजन्स आप देख सकते हैं सारे अंदर ही बंद हैं। तो दरवाज़ा मैं खोलता हूँ और पर्पल वाले मेल को पकड़ते हैं सबसे पहले, उसको उधर बंद करते हैं। और ये वाइट वाला आप देखें, ये हमने नया पकड़ा है, ये देखें इसके सर पे ताज भी बना हुआ है, कितना प्यारा है माशाल्लाह से, देखें। तो पर्पल मेल को मैं पकड़ के बाहर उधर बंद करता हूँ और उस पेयर को खोलता हूँ, फिर इन सबको बाहर खोलते हैं। व्हाइट वाले पिजन को भी मैंने पकड़ लिया, ये देखें इसके सर पे ताज, और ये पर्पल वाले को भी पकड़ लिया है। तो पर्पल को तो बंद करना है, वाइट के थोड़े से बाहर निकालते हैं। बाकी मैंने पिजन खोल दिए, जंगली साइड पे आ गया भाई, आप उस साइड पे जाओ, वो बाहर आ गए। चलो तो इस पेयर को मैं खोलता हूँ। पर्पल वाले को मैंने इधर बंद कर दिया है, बाकी जो हमारा पेयर था उसको मैंने खोल दिया, वो बाहर चले गए दोनों। और वाइट वाले के भी पर मैंने निकाल दिए थोड़े से, ये देखें। हेलो, तो इसकी एक आंख ब्लैक है और एक आंख इसकी रेड सी है, तो इसको छोड़ देते हैं इधर आराम से। तो इसको भी मैंने छोड़ दिया आराम से। और जो न्यू पेयर है मैंने इधर छोड़ा, उसकी फीमेल तो नज़र नहीं आ रही, मेल तो वो ऊपर केज के ऊपर बैठा हुआ है, फीमेल उसकी मेरे ख्याल से अंदर गई हुई है। ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं अंदर जाके। अंदर भी नहीं है वो, किधर गई है फिर, उड़ तो नहीं गई, केज पे भी नहीं बैठी हुई, ऊपर स्टिक पे भी नहीं बैठी हुई, तो कहाँ गई है फिर, देखते हैं ज़रा अंदर जाके। अंदर तो नहीं है वो, खैर जिधर भी होगी आ जाएगी, क्योंकि वो ऐसी नहीं है कि भाग जाएगी हमारे घर की, वो पक्की है। तो अब ऐसा करते हैं कि कॉलोनी खोल लेते हैं जल्दी से। कॉलोनी भी मैंने खोल ली है, और वो देखें हमारा जो नया पेयर था वो अंदर है, उनका पेयर लग गया। तो अब मैंने ऐसा करना है, मैंने एक बात सोची थी कि जो हमारे पेयर्स हैं ना बड़े वाले, उन सब के हम पर काट देंगे जो नए नए, बाकी जो पुराने हमारे पक्के हैं मेल और फीमेल उनके नहीं काटेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि ये वाइट जो मेल है जिसका ब्लैक हेड है, ये जो आ रहा है ये पेयर, इसका ये नया था, ये मेल उस दिन चला गया तो काफ़ी मुश्किलों से आया, इसके पर काट देते हैं। और तीन चार और हैं, मतलब इनके पर हम काट देंगे, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो जब तक मैं दाना वगैरह डालता हूँ, रिंग नेक का और जो थोड़ा सा इनका पड़ा हुआ है पैरेट्स का, लव बर्ड को डाल देते हैं और रिंग नेक को, बाकी जो बचेगा हम कॉलोनी में डाल देंगे, बाकी फिर हम और लेके आते हैं, फिर दूसरी दफ़ा कॉलोनी में डालेंगे। ये इन सब की हरकतें देखें, इन सब को करते हैं। तो ये है हमारा पर्पल कलर वाला मेल, इसको मैंने इधर बंद किया हुआ है। तो अब मैं जल्दी से लवबर्ड को दाना डालता हूँ। दाना डाल दिया पिजन के लिए, पानी और दाना लेके आते हैं, और लवबर्ड को भी पानी डालते हैं। और अब आ रही है अपने रिंगनेक की। हेलो, गुड मॉर्निंग बिट्टू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं करती आप,
गुड मॉर्निंग। अभी तो उसको भूख लगी हुई है, अभी उसको और कुछ भी नजर नहीं आएगा गुड मॉर्निंग क्या होता है या और कुछ। वो देखिए टूट पड़ी है खाने पे, जैसे कि पता नहीं सालों से भूखी है। दोनों को मैंने डाल दिया, अब ये जो बाकी का बचा है मैं कॉलोनी में डाल देता हूँ, और फिर हम जब जाएंगे मार्केट तो और ले आएंगे, तो वो इनको डालेंगे फिर से। बाकी मुर्गों को डालना है और पिजन्स को डालना है, उनके लिए बहुत है, उनको डालेंगे अभी इनके बाद। तो ये मैं ऐसा करता हूँ पूरा शॉपर को ऐसे उल्टा कर देता हूँ ताकि खाना इधर गिर जाए। ये सारे ही मैंने इनको डाल दिए, इतना नहीं था थोड़ा सा ही था, मतलब अभी तक ये दिन का हो जाएगा इनका, शाम को मैं फिर डाल दूंगा इनको। तो अब चलते हैं मुर्गों वाली साइड पे, चाबियां दोनों उठाते हैं। एक ही चाबी पड़ी है, दूसरी चाबी किधर गई है? मैं चाबी ढूंढ लूं पहले। चाबियां मुझे मिल चुकी हैं और बाजरा भी मैंने उठा लिया है, तो पहले मैं जा रहा हूँ मुर्गों वाली साइड पे। इस वाले मेल के भी पर काटेंगे, इसकी मैं बात कर रहा था, ये इसके भी पर काट देंगे। और ये वाला जो है ये वाइट रिंग वाला, ये देखिए ये, इसके भी पर काट देंगे। इसकी फीमेल भी नहीं है, ये भी नहीं है, दोनों नहीं है ये, तो इसकी फीमेल के पर भी आ गए तो उसके भी काटने पड़ेंगे। और इस गधे की हरकतें देखें, सारा पानी इस गधे ने गिरा दिया। मुझे तो अब दिन ब दिन इन पे बहुत गुस्सा आता जा रहा है, पता नहीं क्यों ये हरकतें इनकी इतनी बुरी हैं। पानी भाई पीने के लिए होता है कि गिराने के लिए होता है? इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर करता हूँ, दाना डाल के फिर नीचे करते हैं। क्या मसला है तुम्हें, ये क्या किया तुमने, कोई इंसानियत है? अब मैं डरता नहीं हूं तुमसे, क्या क्या ये देखिए किस तरह मुझे लड़ाई के लिए मारने के लिए तैयार हो रहा है, पीछे खबरदार। खाना डल रहा है, सब्र होता है इंसान में थोड़ा सा, पर तुम इंसान नहीं हो। हाँ मैं भूल गया था, सॉरी, इंसान होता तो अभी तक सब्र कर चुका होता, और इसमें सब्र नहीं है। ताज़ा पानी मैंने इनको कल डाला था आपके, जैसे कि पता ही है, तो इन्हें गिरा दिया सारा। अब दूसरे भी इसी तरह की हरकतें करना शुरू हो गए, उछलना शुरू हो गए। इससे पहले कि वो पानी गिराए मैं इनको दाना डाल ही देता हूँ। पता नहीं यार वो कब, उसको मैं अभी मैसेज करता हूँ कि भाई ले जा, अब क्या करना है तूने, मैं तो भाई थक गया हूँ। अब पैरेट्स मेरे इंतज़ार कर रहे हैं वेटिंग पे, उनको मैंने रखा हुआ है कि ये जाएंगे तो इनको हम शिफ्ट करेंगे, तो ये जाने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने सोचा जो नीचे वाले हमारे खाने हैं, ये जो नीचे वाले चार घर हैं, इनमें एक में तो डव और फिंच तो पक्के हैं, बाकी जो दो रह जाएंगे बाकी के उसमें भी हम कुछ ना कुछ ला के रखेंगे, जो मतलब छोटे बर्ड्स होंगे। और ऊपर वाले जो चार हैं उनमें हम बड़े बर्ड्स रखेंगे, जैसे कि एक में तो रिंगनेक ही आएगा, कॉकटेल भी लेके आएंगे। उसके बाद सोच रहे हैं कि रोज़ीला, आपको अगर पता हो तो वो भी लेके आएंगे। पीछे पीछे दाना डल रहा, तो रोज़ीला का एक पेयर लेके आएंगे, और देखते हैं अभी और सोचते हैं, क्योंकि रिंगनेक और लव बर्ड का तो पक्का ही है वो इधर ही होंगे, बाकी भी हम कुछ देखते हैं। तो इन सबको मैं लॉक कर लेता हूँ सबसे पहले। डब्बे में बाजरा फिल करते हैं और इसको पानी डालते हैं उल्लू को। चाबियाँ में मैं रख देता हूँ इधर, काफ़ी गंद था, मैंने शॉपर थोड़े से उठा दिए, तो पानी इसमें पड़ा हुआ ही वाला डाल देते हैं। बाकी देखते हैं किस किस को चाहिए, बल्कि ये अंदर लेके चलते हैं, लवबर्ड को और पिजन को डालते हैं, उसके बाद फिर हम इस पिजन के लिए। एक फीमेल भी है, वो भी मैं इसकी इधर छोड़ता हूँ, पहले मुझे याद नहीं रही वो बाहर निकल गई है। जो बच्चे थे वाइट वाले पिजन के, उसी की बेटी है, अब मुझे नहीं पता वो बेटी है या बेटा है, पर छोड़ के ही पता चलेगा ये तो। किधर है वो, किधर है, किधर है, ये वाली, ये देख। अब पता नहीं ये फीमेल है क्या मेल है, क्योंकि दो है ना, एक अब इनमें से फीमेल होगी एक मेल होगा,
तो बाजरा में अभी इसमें फिल करता हूँ। बाजरा फिल हो चुका है, सबसे पहले अंदर जो पिजन उसको डाल के आते हैं, फिर इन सबको डालते हैं। वाइट जो हमने कल पकड़ा था, मेरे ख्याल से अंदर चला गया, वो शर्मा रहा है या पता नहीं क्या मसला है, देखते हैं। इसको तो मैं पहले डाल लूँ, तुम दाना खाओ तो फीमेल अंदर जाती तो मैं पकड़ता हूँ, फिर उसको इधर छोड़ते हैं तुम्हारे साथ, तुम अकेले हो। बाकी इसको दीवार पे रखते हैं जब तक इस कपड़े को नीचे कर लेते, धूप काफ़ी पड़ रही है। मुर्गे भी कहते होंगे कभी हमें बहुत ही ज़्यादा धूप लगवाता है, कभी हमें बहुत ही ज़्यादा बारिश में छोड़ देता है। तब चलते हैं इनकी तरफ, आ जाओ सारे। इसको पता नहीं क्या हुआ, इसकी टांग टेढ़ी हुई हुई है, ये सेल के लिए हमने जो रखा हुआ था वो है। ये देखिए इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो वाइट वाला है, ये अंदर जाए तो मैं देखता हूँ इनके किस किस के पर काटने मैंने। तो दाना मैंने इनको डाल दिया। टेढ़ी फीमेल आज बाहर नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला उसको। कल जो मैं देख रहा था कि ढीले हुए में, वो ढीला शीला कोई भी नहीं था, एक दूसरे को लड़ाई करते हैं ना जब, ये फिर मारते हैं तो थोड़ी देर के लिए सदमा लग जाता है उनको, बाद में खुद ही ठीक हो जाते हैं। ये नई जो फीमेल पकड़ी थी थोड़े दिन पहले, वो ऊपर बैठी हुई है, और ये जो हमारा ये वाली फीमेल अभी मैंने बाहर निकाली है ना, जिसका पैर नया लगा है, और वो कौन सी फीमेल बैठी हुई है, उसने अंडे दिए हुए। उसके बाद एक दफ़ा अंदर चेक कर ले लेते हैं। वाइट वाला मेल बाहर ही था, टंकी के नीचे था, ये दाना खा रहे हैं। तो एक दफ़ा मैं अंदर देख लेता हूँ कि अंदर क्या सिस्टम चल रहा है। इसने कल एक बच्चा निकाल लिया था, थोड़ा सा देखते हैं। दिखाओगी? ये एक तो गुस्सा बहुत करती है, आराम से उठाते हैं इसको। वह देखें, एक ही है अभी तक, और यहाँ पर भी अंडे हैं। ये भी बैठी हुई है, ये मेल बैठा हुआ है, ये फीमेल बैठी हुई है, और ये भी इसके पार आ गए, इसके भी काटने हैं, इसके भी आ रहे। ये तो मेल है, इसकी फीमेल बाहर है, इसको पार उसके भी आए हुए काटने हैं। ये हमारी फीमेल है, इसने अंडे दे दिए, इसके अंडे तो बच्चे हमने निकलवाने भी नहीं कभी भी। तो हम ऐसा करेंगे कि किसी और के अंडे इसके नीचे रख देंगे, पर अभी तो सारे खुद ही बैठे हुए, पर इसके बच्चे हमने नहीं निकलवाने कभी भी। तो तुम्हारा मेल जब गया है तो तुमने मुझे बताया भी नहीं है। इसका पेड़ अभी हमने नया लगाया, आप देखते हैं कि लगेगा कि नहीं। मेल तो बाहर घूम रहा है, तो चलते हैं बाहर फिर। तो जो नया पेड़ लगाया था, ये देखें अंदर हैं दोनों, मेल और फीमेल एक ही जैसे हैं दोनों। अब देखते हैं इनका पेड़ लगता है कि नहीं लगता। बाकी ये दाना वगैरह खा चुके हैं सारे, वाइट वाला वो है, अब ये सारे अंदर जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता अपने अंडों वगैरह पे। ये ब्लैक वाली चली गई है, इस अंडे दिए हुए, ये मेल था सॉरी, वो जाके अंडों पे बैठ जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ते सारे धुम दुगा के भाग गए। ये देखें इसके भी पार आए हुए हैं, ये ग्रीन रिंग वाली फीमेल है नई। इन सब के मैं देखता हूँ, पार काटता हूँ। अभी इनका मसला ये कि नए नए पार निकले हैं, खून वाले जो पार होते हैं ना इनके, अभी जो नए निकलते हैं तो वो फिर इनको दर्द होगा, तो काटने पड़ेंगे मुझे, काट देंगे बाद में, फिर अगली बार के लिए निकाल देंगे। ये देखें ये नई फीमेल है, फिर ऊपर चली गई है। ये देखें इसकी फीमेल ने अंडे दिए हुए हैं, अब ये इधर उधर घूम रहे हैं। तो इसी के साथ फिर आज का व्लॉग का एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।